दोनों से एक हाथ से पकड़ के पीछे एक हाथ से हेयर बैंड की प्लेसमेंट करनी है और टनटे ना आपका हेयर स्टाइल रेडी बहुत इजी है ना बहुत जल्दी बन जाता है ये और ये थोड़ा न्यू भी लगता है और इससे आपको कुछ नहीं है ना आगे की जो आपने ट्विस्टिंग करी है इसे ऐसे ओपन कर देना है तो ये थोड़ा ज़्यादा फ्लफी लगेगा और आपके बाल अगर ऑयली हैं तो वो ऑयली भी नहीं लगेंगे तो ये है सिर्फ दो तीन मिनट का मतलब एक या दो मिनट में ये हेयर स्टाइल रेडी है अब आ जाते हैं हम सेकेंड हेयर स्टाइल पर अगर आपको ऐसे पूरे बाल पीछे करना पसंद नहीं है तो ये तो बहुत इजी है आपको क्या करना है आपको ऐसे दो आगे की लटे निकालनी है अपनी टंटन है अगर आपको थोड़ी थिक निकालनी है तो आप ऐसे थिक लट निकाल सकते हो पर अगर आपको पतली निकालनी है तो आप लगा सकते हो मैंने नाक पैसे अटकाए अपने क्योंकि वो बीच में आ रहे थे तो ये ऐसे मैंने बाल अटका के पूरे बाल पीछे कर लिए और ऐसे मेरी ये दो लटे आगे आ गई उसको मैंने ऐसे स्टाइल से कर लिया और यू कैन सी इसको आप किसी वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी वेयर कर सकते हो ऐसे ये बहुत क्यूट लगता है ये हेयर स्टाइल और इसमें आपको कोई पिन की जरूरत नहीं किसी चीज़ की जरूरत नहीं सिर्फ आपको हेयर स्टाइल करना है विद हेयर बैंड और इसमें कोई इतना ज्यादा कॉम या उसकी जरूरत नहीं एक बार आपने बाल कॉम करना है उसके बाद टेंटना आ जाते हैं हम थर्ड पे ये भी बहुत इजी है और ये तो बहुत ही प्रिटी लगता है मुझे जैसे आप ऐसे साइड आ, मांग करके ऐसे बाल कॉम करते हैं तो आपने साइड पार्टीशन में ऐसे हेयर बैंड तो बनाते ही है ना बट आपको उस पर ऐसे हेयर बैंड लगा लेना है एनी प्रिटी हेयर बैंड मैं तो इसी से करके दिखा रही हूँ पर अगर आपको पास कोई और अच्छा हेयर बैंड हो तो आप वो भी लगा सकते हैं सो आई होप यू लाइक माई वीडियो ऐसे और के लिए फॉलो फॉर्म हो बाई टे बी हैप्पी